हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री सैंपल क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है, दो क्वेश्चंस हैं, चॉइस दी हुई है यानी कि आप लोगों को। फर्स्ट है NiH2O6 यानी कि निकल के साथ वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, दैट इज ग्रीन इन कलर। जो कलर है इस कंपाउंड का वो ग्रीन है। लेकिन अगर हम लोग इसी निकल के साथ वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स अटैच कर दे और एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाए इन इन क्या चीज है, इथेन 1,2-डायामीन, तो फिर उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है वो हमसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। एक तरफ आपके पास कंपाउंड है निकल के साथ पानी के 6 मॉलिक्यूल्स और दूसरी तरफ है मेरे पास इथेन 1,2-डायामीन और 2+। दिस इज द कंपाउंड, ये मेरे पास कंपाउंड है। यस, कलर जो है वो यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पर उन्होंने ब्लू बताया है। देखिए यहाँ पे ये जो कलर है वो लाइजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अकेला वाटर है जो लाइजेंट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक वाटर हो गया है और दूसरा है इथेन 1,2-डायामीन। तो ये मतलब दो लाइजेंट्स हैं जो इस कंपाउंड में काम कर रहे हैं। जो वाटर होता है वो एक आपका वीक लाइजेंट होता है। वीक लाइजेंट होने की वजह से जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की वो इतनी ज्यादा नहीं कर पाता, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली जंप करके T2g लेवल से EG लेवल में चले जाते हैं। T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो T2g वाले ऑर्बिटल्स के साथ पेयरिंग कर ले या फिर EG में शिफ्ट हो जाए। अब वीक लाइजेंट होने की वजह से स्प्लिटिंग जो होती है वो वीक होती है। अगर हम लोग अकेले वाटर की बात करते हैं तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसानी से ईजी लेवल यानी हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे वाटर और इथेन 1,2-डायमीन की बात करते हैं तो जो इथेन 1,2-डायमीन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लाइजेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये वाला जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां पर स्प्लिटिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंट या वीक फील्ड लाइजेंट भी हम इनको बोल सकते हैं। तो स्प्लिटिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंट्स की वजह से वो ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से जो T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EG में शिफ्ट नहीं हो पाता, उसको T2g के साथ ही अपना बॉन्डिंग करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इसी एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जब अकेला वाटर है तो आपको कलर ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन जब वाटर के साथ साथ इथेन 1,2-डायामीन भी आ गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंड है, तो स्प्लिशन ज्यादा होने की वजह से जो एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो वहां पर नहीं हो पाएगा, T2g लेवल पर ही उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी और उस वजह से जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, दैट इज ब्लू कलर। तो ये कहानी है आप लोगों की कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइजेंट फील्ड ये कलर में डिफरेंस आता है। चलिए आंसर अपना चेक कर लेते हैं। The color of coordination compound depend on the type of ligand and DD transition take place. Type का मतलब हो गया कि weak है या strong है, और DD transition मतलब कि वो T2g level से EG level पे जाएगा या T2g में ही pairing करेगा। Water एक weak field ligand है जिससे small splitting होती है और इसे DD transport जो transition होगा वो green color का देगा,
लेकिन जो अगर हम बात करेंगे इथेन 1,2-डायमीन की, जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंड है, स्प्लिटिंग बढ़ जाती है और इस वजह से T2G Eg का सब्लिशन होने की वजह से कलर जो है वो ग्रीन से सॉरी ग्रीन से है ब्लू हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी मेंशन है, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग करते हैं इसी 5th क्वेश्चन का बी पार्ट। राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ट्रिस इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एक बार, इसको क्लियर कर देते हैं। ट्रिस फिर था इथेन 1,2-डायमीन, आगे है 1,2-डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके आई थिंक यही है, कुछ और है तो देख लेते हैं। ठीक है यही चीज है। चलिए सबसे पहले तो ट्रिस का मतलब होता है तीन। इथेन 1,2-डायमीन, जैसे आपको पता है इथेन 1,2-डायमीन का मतलब है इथेन में 2 NH2 ग्रुप आपने एडजस्ट करने हैं, तो दिस इज इथेन 1,2-डायमीन। कोबाल्ट CO होता है, 3 मतलब कोबाल्ट पे चार्ज 3 पॉजिटिव रहेगा और सल्फेट SO4 है। सबसे पहले हमें पता है हम लोग मेटल को लिखते हैं, तो मेटल लिख दिया हमने कोबाल्ट, और ये कैटाइन पार्ट है और ये एनाइन पार्ट है, तो कैटाइन से स्टार्ट होती है, तो कैटाइन में कोबाल्ट मेटल आ गया। उसके बाद इथेन 1,2-डायमीन, यानी इसके लिए सिंपल हम लोग ईन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट करना चाहो तो कंप्लीट ही यूज कर दे। NH2, CH2, CH2, NH2, ये आ गया। ट्रिस मतलब तीन लगे हुए हैं, कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इन के ऊपर तो 0 होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंट होता है, इसके ऊपर 3 चार्ज है, तो यानी कि ओवरऑल कैटाइन पार्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। सल्फेट की बात करें SO4, तो इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल की मल्टीप्लाई 2 से और SO4 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी ताकि ये बैलेंस हो जाए, यानी कि SO4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और कटाइन एंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से आप लोगों का ये बैलेंस हो गया है, ये कटाइन पार्ट है और ये एनाइन पार्ट है। तो ये उन्होंने बोला था, हाइब्रिडाइजेशन की बात भी करेंगे, पहले हम लोग ये आंसर मैच कर लें। ओके कोबाल्ट H2N C3 2SO3, ठीक है, ब्रैकेट मेरे ख्याल से मैंने दोनों तरफ वो यूज कर लिया ना, ओके ये सर्कुलर ब्रैकेट आएगी, दिस इज सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है एक बार वो चेक कर लेते हैं। ठीक है जी सही है, तो ये इस तरीके से आप लोगों का ये कंपाउंड का नेम लिखा गया। अब उन्होंने पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है सेंट्रल आइटम की होगी, हाइब्रिडाइजेशन कोबाल्ट की होगी, कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखी जाती है, आर्गन यानी 18, 4s2 20 और 3d7 27। तो जब हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने हैं 3 पॉजिटिव, तो आर्गन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और 3d6 रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, जो 3d है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे चला गया। अब ईन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइजेंड है, और जो ये ईन होता है ये डाइडेंटेट होता है, मतलब ये दो तरीके से बॉन्डिंग करता है, तो यानी कि अगर इसके 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो वी कैन से कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं पहले बोल रहा हूँ कि डाइडेंटेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू या 2 साइड्स के थ्रू ये बॉन्डिंग करेगा, तो इसीलिए अगर 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड एंटिटी है, लाइजेंड है, तो इसीलिए ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी ये पेयरिंग कर देगा, दिस इज 3d
3D के बाद आपका आता है 4S, एक बार चेक कर ले। यस, 3D के बाद 4S एंड देन 4P। 4P के तीन ऑर्बिटल होते हैं, दिस इज 4P। तो अब क्या होगा, जब ये इथेन 1,2-डायमीन अप्रोच करेगा तो ये इन लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनको बॉन्डेड बना देगा। बॉन्डेड बनाने का मतलब क्या है, पहले ऑर्बिटल में तो पहले से ही पेयरिंग है तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये भी ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। अब इनके 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं रेड से बनाऊंगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2, 4 तो इधर से आ गए आपके पास, 6 पेयर आ रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दिस इज 3d, दिस इज 4s, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 अभी और बाकी है तो वो 4p में चले जाएंगे। तो इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट फिलअप हो गए इथेन 1,2-डायमीन के। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी है, डी के 2 ऑर्बिटल्स, एस का 1 पूरा और पी का 3 ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है कॉपर की या कॉपर आयन की वो है D2SP3। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, D2PS3। यस, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, D2SP3 यही आंसर आ रहा है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो 5th का ये ए और बी दोनों पार्ट खत्म हो गए, इसे इंटरनल चॉइस दी हुई है, लेट अस डू दैट आल्सो। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेंट्रल मेटल आयन की वो आपके पास ये दिया हुआ है T2G3, मतलब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। तो इसका मतलब कौन सा लाइजेंट हो गया है, ये वाला हो गया वीक फील्ड लाइजेंट, मतलब ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाया, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और लो स्पिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर पा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वीक फील्ड लाइजेंट है, और अगर वीक फील्ड लाइजेंट है तो फिर उसका जो स्पिन कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नहीं, दैट विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये अक्सर गड़बड़ होती है, हम लोग सोचते हैं कि वीक लाइजेंड मतलब लो स्पिन, गलत है ये चीज। अगर वीक फील्ड लाइजेंड की बात हो रही है तो इसका मतलब है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये पता है आप कैसे याद रख सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब डी जो है वो 2 हिस्सों में टूट गया, 1, 2, 3, और अगला हिस्सा है ईजी लेवल का, थोड़ा सा अबव होगा, एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि दो होते हैं इसमें लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अभी आ रहा है, जो कंडीशन हमें दी हुई है लाइक दिस, ऐसे है। अब यहाँ पे देखो सभी का स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो इसको पेयरिंग होनी होती तो पेयरिंग में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आता तो फिर वो क्या बन जाता, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए अगर फील्ड लाइजेंट वीक है तो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाई होगा, और पेयरिंग ना करके वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट ऑर्बिटल पे शिफ्ट कर देगा। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट का आंसर। आंसर मिला ले, देखिए कि थ्योरी में क्या ऐड करना है। एज द 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द ईजी ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फिगरेशन विच इंडिकेट, ओके, ये इन्होंने थोड़ी वैल्यू बता दी आपको, ये मैं बता दूं ये क्या चीज होती है। एक होता है डेल्टा नोड और एक होता है पी। डेल्टा नोड जो होता है ये चीज होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो स्प्लिट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड, और नोड मतलब ऑक्टाहेड्रल, मतलब आपके सेंट्रल एटम मेटल को 6 लाइजेंड्स ने सराउंड किया हुआ है, और पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी अगर प्रॉपर लाइन अपन मतलब सुनेंगे तो वो क्या है कि एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एक सिंगल ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अब इसमें क्या हो रहा है, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है,
पेयरिंग एनर्जी की, पेयर की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो पेयर नहीं हो पा रहा है। कौन सी एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे? यहाँ पे स्प्लिटिंग वाली एनर्जी तो वीक चली गई, क्योंकि स्प्लिट जो था वो ज्यादा हो गया। ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर गया। अगर स्प्लिटशन यहाँ पर कम होता तो यहाँ पे समझे थोड़ा सा, जैसे कि ये तीन ऑर्बिटल इधर रह गए और दो ऑर्बिटल ये बन गए, अगर ये गैप कम होता फिर तो इलेक्ट्रॉन जैसे अप गया है वैसे ही जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप ज्यादा होता, सपोज करो यहाँ पे ना हो के यहाँ पे बनता, अब गैप ज्यादा हो गया तो इसके लिए क्या होगा? अब ऑटोमेटिकली एक स्प्लिशन ज्यादा हो गई है तो जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम हो गई और फिर इसलिए इलेक्ट्रॉन उधर ही रह जाता। तो इसीलिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा चाहिए थी, तो इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाया और नेक्स्ट पे क्या कर गया, स्विच कर गया। तो इसीलिए यहाँ पे वीक फील्ड लाइजेंट है, स्पिन हाई कॉम्प्लेक्स है, और उसकी वजह क्या है कि पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा थी लेकिन स्प्लिटिंग की एनर्जी कम थी, इसलिए वो जंप कर गया। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है। ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स। तो T2G3E G1 के लिए स्प्लिटिंग डायग्राम बना दो। हमारी एनसीईआरटी में ना डिट्टो दिया हुआ है, तो उसमें पता है क्या चीज करनी है। सबसे पहले तो आपने ना डी के 5 ऑर्बिटल्स बना देने हैं, ऐसे बना दिए, 1 2 3 4 5। ये मतलब सिमेट्रिकल शो कर रहे हैं, सिमेट्रिकल मतलब अभी इनकी ना एनर्जी सेम है सभी की, पांचों के 5 ऑर्बिटल्स की। और हमारे पास क्या शो करना है, T2G3EG1। तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 है, अभी ये बस सेम है। ये सपोज कर लो T2G है अभी, और ये आप सपोज कर लो EG है। T2G में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, क्या क्या नाम है उनके, DXY, DXZ एंड DYZ। ये आप लोगों ने +1 में भी किए थे। और EG में 2 होते हैं, X²-Y² और एक होता है Z²। तो ये मतलब ऐसे स्प्लिटिंग होती है। अब अगर ना इनके पास सेम स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड होता है तो फिर भी ये टूटते नहीं है। मतलब टूटने का मतलब क्या है, ये 5 के 5 इकट्ठी रहेंगे, कोई फर्क नहीं आता इनमें, इनका प्यार बना रहेगा, 1 2 3 4 5, कोई फर्क नहीं आने वाला, ऐसे ही इनका रहेगा। इसको आपकी बुक ने लिखा है एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में ही होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप लोगों के पास अनसिमेट्रिकल होता है या फिर ऑक्टाहेड्रल, जैसे यहाँ पे 6 लाइजेंड्स अप्रोच करेंगे तो ये टूट जाएगा 2 हिस्सों में। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये हो गई है इसकी सेंटर वाली लाइन। तो 3 लेवल जो है एनर्जी के वो तो रह जाएंगे नीचे, यानी कि कम स्मॉल, और जो 2 है लेवल वो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आप ये भी कह सकते हो जो एनर्जी इन्होंने गुम की है, खत्म हो गई, वो किसके पास चली जाएगी, वो 2 ऑर्बिटल्स के पास चली जाएगी। लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। ये अब आपका बन गया T2G और ये बन गया है EG। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये होता है डेल्टा नोड, जिसकी पर बात कर रहे थे, स्प्लिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर इतना ज्यादा नहीं बन पाया इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप कर गया। और अगर प्रॉपर वैल्यूज लिखनी है तो 3/5 होता है और ये वाला 2/5 होता है। देख लेते हैं आंसर में, अगर इतनी डिटेल हुई तो लिख देना, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं आंसर, ये वैसे बनेगा हमारे पास डायग्राम में। तो एनर्जी ये एक तो ये बनाना है, यहाँ पे लिखना है फ्री मेटल आयन, यहाँ पे स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है। तो 3 बना दिए हैं, नाम लिख दिए हैं प्रॉपरली, 1 बना दिए, ठीक है जी। बस वो लिखने की जरूरत नहीं है जो 2/5 वगैरह किया था, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने लिखी है। तो इस तरीके से 5th क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।